सुभाष हमारे क्या काम करते हैं क्या काम करते हैं और हमारी इनकम यू नो कितनी है हमारी इनकम। सबसे पहले चढ़ाते हैं चाय। Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for. कचरे में फेंकने से पहले अगर आपने कट कर लिया है तो उसके अंदर ही गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इस ताज़े ताज़े मॉर्निंग के चाय के साथ और मस्त सा व्यू थोड़ा ही दिखा पाऊंगी आपको। चलो आज इतने में से काम चला लो। क्लास स्टार्ट हो गई है क्लास और एक अच्छी सी खबर भी मैंने सुभाष ने सुना दी कि मॉल खुल गया है कोई तो हमारे पास वाला मॉल अब तक पुणे में बंद था तो अभी मैसेज वो पढ़ा अभी नहीं पता नहीं वो सही है कि गलत है तो अगर खुल जाए तो अच्छा है। बोर हो गया पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे जाएंगे क्या देखते हैं वो पता नहीं मे बी लेट्स सी सिचुएशन कैसा रहता है। पूरे महाराष्ट्र में खुल गया था मुंबई पुणे रह गया था ना सब कुछ पुणे और 11 डिस्ट्रिक्ट पुणे महाराष्ट्र के फाइनली एक मॉल तो आया बाकी देखते हैं खुलता है क्या खुलता है। तो ये है डाइनिंग टेबल से व्यू हमारा मस्त हवा चल रही है बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है। ये रहा वीवर बेड बर्ड का नेस्ट ये देखिए वीवर बर्ड का नेस्ट फिर से ट्राई करती हूँ आपको दिखाना। मौसम तो इतना मस्त हो रहा है और अभी बनाते हैं नाश्ता और नाश्ते में आज बनेगा वापस से साउथ इंडियन फूड। आजकल साउथ इंडियन का ही हमारा सीजन चल रहा है सबको साउथ इंडियन ही पसंद आ रहा है। Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. Plain dosa banane ke baad banaungi main uttapam ya fir jo bhi aap bolo sponge dosa uske liye maine yahan pe sabziyan thodi si kaat li hai isme dalungi thodi si mirchi thoda sa namak aur thoda sa chaat masala isko hum mix kar lenge. What we're gonna do? I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. जब भी साउथ इंडियन बनता है खाना हमारे घर में हमेशा दो तीन तरह के बनते हैं और इजी भी अच्छा है पता है एक बार बैटर बना लो और दो तीन तरह का खाना खा भी लो। बताओ कैसा है नमक के रनिया यहाँ पे क्या कर रही है एंट एंट को ट्रेस कर रही है पता है आपको बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे चलो जान दो उसको घर जाने दो हाथ में चढ़े देखना मार मत देना उसको। सुभाष बादाम छील रहे और एप्रन पहन के सुभाष अभी क्या लगा रखा है एप्रन पहन के स्टाइल तो देखो स्टाइल में रहने का ऐसा नहीं एक्चुअली अभी सुभाष इसके बाद बर्तन धोने वाले हैं पकड़ लिया है आज सो अभी मैं अपना करने वाली हूँ फेस वॉश बिकॉज नाश्ता वगैरह बनाने के बाद स्पेशली डोसा बनाओ वगैरह बनाओ ना तो ऑयल यूज होता है ना बहुत फेस पे ऑयल आता है सो आई एम गोइंग टू वॉश माय फेस नाउ और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। इसमें है विटामिन सी और टर्मरिक ये ना मेरे पास पहले भी था एक ये देखो ये खत्म होने वाला है सो ये छोटा वाला पैक था इसका ये बड़ा वाला पैक मंगाया मैंने सो ये
ऐसा है। सो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं विटामिन सी, टर्मरिक जो कि आपकी हल्दी है, और है एलोवेरा। विटामिन सी जो है वो फोटो एजिंग, मतलब जो सन के यूवी रेज से डैमेज होता है स्किन, उसको उससे प्रोटेक्ट करता है। कोलाजन आपका प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो हल्दी है वो हम सबको पता है कि एक्ने और स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। सो बेसिकली आपका ये एक नेचुरल ग्रो प्रोवाइड करता है आपके स्किन को, और सारे स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल है। सो इसके बाद मैं लगा रही हूँ ये मामा अर्थ का क्रीम, जो कि है बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम विद मलबरी एंड विटामिन सी एक्सट्रैक्ट। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मलबरी एक्सट्रैक्ट, आपका विटामिन सी, लिकरिश एक्सट्रैक्ट जो कि मुलेठी होती है, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट। सो ये आपके जो पिगमेंटेशन है ना, स्पेशली लिकरिश, उसको आपका रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो ये क्रीम काफ़ी नॉन ग्रीजी टेक्सचर का है, आपके स्किन टोन को इवन करता है, आपका हाइपर पिगमेंटेशन हटा के, जो अगर आपके फेस पे स्पॉट्स हैं उनको हटा के। सो यस, मैंने फेस वॉश करके क्रीम लगा लिया है, एंड यू कैन सी काफी मॉइस्चराइजिंग है, एंड यू कैन फील, यू नो, काफी सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। सो इन केस आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर डिस्काउंट चाहिए आपको तो मेरा कोड आप यूज कर सकते हो मानुषी 2021, स्क्रीन पे भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। पर ये कोड आप मामा अर्थ के वेबसाइट या फिर ऐप पे यूज कर सकते हो। सो अदर देन मामा अर्थ, आपके जो ये मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल है आपके नायका पे, पर्पल पे और अमेजोन पे भी फॉर अडल्ट, और बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं मामा अर्थ के, तो वो भी अवेलेबल है अमेजोन, मामा अर्थ के वेबसाइट या ऐप पे, प्लस फर्स्ट क्राई में। सो मामा अर्थ प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्री हैं हार्मफुल केमिकल से, और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। मामा अर्थ अपना खुद का इंडियन ब्रांड है, एक प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है। प्लस जब भी आप उनके वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आपके ऑर्डर को वो लिंक करते हैं एक ट्री के साथ, जिसका एग्जैक्ट जियोलोकेशन, पिक्चर और स्पीशीज वो आपके साथ शेयर करते हैं। रिसेंटली मामा अर्थ ने लॉन्च किया है अपना खुद का ऐप, जिसके थ्रू आपको अर्ली एक्सेस मिलता है उनके सेल्स, और आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है आपको। ये तब फनी चीज हुआ, अनन्या का क्लास था ना, ऑनलाइन क्लास। सो ऑनलाइन क्लास में उसका साइंस का सब्जेक्ट था, तो अन्य को कुछ डाउट था, तो टीचर का टाइम अप हो गया था, तो टीचर ने बोला ठीक है आप क्लास के बाद वेट करो, तो उस टाइम पे आपको जो भी डाउट है आप मुझे पूछ लेना। तो अन्य वेट करी, क्लास के बाद टीचर आई, मुझे भी लगा कि भैया क्या क्वेश्चन, अन्य को क्या डाउट है, इंटरनल एक्सटर्नल पे कुछ पूछने वाली होगी। अन्य का क्वेश्चन था कि मैं जंक फूड खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती। अरे मुझे तो सरप्राइज हुआ जब मैम ने बोला मैं सैटरडे और संडे को खाती हूँ जंक फूड, हम बस एक ही दिन में खाते हैं। मैम दो दिन खाती है? हाँ, तो आप भी कभी दो दिन खाते हो? नहीं। अच्छा, जब बर्थडे बर्थडे होता है, जब कहीं जाते हो तो नहीं खाते हो क्या? जब बर्थडे होता है झूला झूलते हुए देख रहे हो है क्या? मस्त झूलने वाले। एक मिनट खाते आप लोगों को, जूम करके ये देखो। सही है ना? मस्त झूला झूला चल रहा है, काश हम भी झूल पाते जाते हैं, तो मस्त लग रहा है। हरी हरी घास और नीम के पेड़ में झूला लगाया हुआ है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। थोड़े से बीन्स थे, इनको मैंने धो के रख दिया है, अभी ये पे रख दूंगी ना, इसका पानी सूख जाएगा, तो डब्बे में डाल के फ्रिज में डाल दूँगी। तो ये ना हमेशा ही मैं ऐसे रखती हूँ बीन्स, गाजर, तो ये हर चीज़ में डालने में काम आ जाते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। कहीं भी डाल लो, कुछ भी बना रहे हो उसमें डाल लो, काट के छोड़ छोड़। ये देखो आपको दिखाती हूँ मैं स्टेटस जो हमने लास्ट टाइम लगाया था, तो इसमें नीचे नए पत्ते आने स्टार्ट हो गए, मतलब इसमें रूट आ गया है। ये एक लीफ है, इसमें भी रूट आ जाएगा, जब तक सड़ा नहीं है। ये एक लीफ है, ये थोड़ा सा सड़ गया है, तो शायद ये ना हो। सो या सक्सेसफुल। और ये है वो प्लांट, ये भी देखो लग गया पूरा यहाँ से। सो लग गए हैं ये सारे, और इसमें ये सब आ गया है। इसका मैं वेट कर रही हूँ कि इसमें कब आएगा छोटे छोटे लीफ। और ये इसमें भी देखो हल्की सी ऊपर लीफ आनी स्टार्ट हो गई है, तो ये सब लग गया है। सब्जियाँ आज की आई जो थी सब धो दी। अदरक भी मैं से हमेशा आपको शेयर किया है ना पहले भी, ऐसे धो के रख देती हूँ, तो ये ना आधे दिन में आराम से सूख जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश से हो जाते हैं। उसको चाय में डालो, कहीं भी डालो, वापस से धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो एप्पल काटते हैं अभी, दो हमारे साइड लेते हैं। मेरा साइड कभी लेते हैं क्या? नहीं। इतने गंदे हैंडराइटिंग में लिखा है, मैंने कहा कि अनन्या उसको इरेज करके वापस करो, पापा ने क्या कहा? कर लो कर लो, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। हाँ, मेरे खिलाफ भड़का रहे हो मेरी बेटी को। भड़का क्या?
जब मौका मिलता है फोन पकड़ लेती है काम करते करते। अपन गर्ल फ्रेंड्स कोई फनी मोमेंट्स नहीं। एन एप्पल अ डे कीप्स दी डॉक्टर अवे एंड डूइंग गुड वर्क एंड कंप्लीटिंग योर होमवर्क मेक्स ममास पिटाई एंड डांट अवे। यस सो करो। काम करो अभी हमको ना एप्पल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्य अभी एप्पल खाते खाते जो बीज निकला उसने एप्पल लगा दिया है ना। अन्य कहाँ पे? यहाँ पे अंदर। उसको पानी अब एप्पल इतना सारा होगा हमारे घर में आपको चाहिए तो अभी से ऑर्डर दे दो आपको भी अंडा डिलीवर करेगी एप्पल है ना। क्या करेगी इसी पेड़ की झाड़ से अन्य ऊपर के बालकनी में जाएगी। हाँ वो फ्री के लिए नहीं आऊंगे जैसे वो स्विगी से ऑर्डर करते हैं ना पैसे ना। अच्छा स्विगी से मैं भी हूँ स्विगी गर्ल। स्विगी गर्ल एप्पल गर्ल। हाँ ये एप्पल गर्ल को ये पैसे भी चाहिए तो फ्री में नहीं देगी वो आपको पैसे पे करना पड़ेगा। तो अभी से पैसे पे कर दो तब जाके किसी जन्म में जब आप के बच्चे बड़े हो जाएंगे वो आप मैं आपको डिस्काउंट देती हूँ। ये एक्चुअली 10,000 का आता है तो मैं सीधा 1,000 बहुत डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे देखते रहो बहुत जी व्लॉग्स। ये आजकल ये नया स्टार्ट हुआ है ना 10 बार हाथ धोती है क्योंकि इसको बबल्स बनाने होते हैं। हाँ अनन्या फूट गया यही पूछ रही थी कि मैम मैं जंक खा सकती हूँ क्या क्योंकि आज अनन्या का प्लान क्या था। अनन्या ये देखो अनन्या बिल्कुल खाना बनाने का मन भी नहीं था और मेरे को ना बर्गर खाने का बड़ा क्रेविंग हो रहा था। चलो आज आज कब क्रेविंग हर बार होता है लेकिन खाते कितना कम हो देखो इंसान फालतू में बोल रहा है। कितना बताना था कितना बाहर से खाते हैं हम लोग। हाँ अच्छा नहीं हम लोग नहीं खाते बाहर से मतलब एवरी फ्राइडे। हाँ एवरी फ्राइडे या फिर वीक में वंस मतलब जब कोविड ना हो उस टाइम पे। सो लेट अस एंजॉय। अगर कोई कुकीज वाला चीज देखता है तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाते खाते ना वो सामने बहुत ज्यादा वो हो रहा है झूले में आई डोंट नो यहाँ पे नहीं दिख रहा है बच्चे झूल रहे हैं। और झूल कैसे रहे हैं आप जो आपने भी किया होगा मतलब दो बच्चे खड़े हैं उस पर और एक इस तरफ पुश कर रहा है एक इस तरफ मतलब एक ही झूले में दोनों बच्चे खड़े हैं। रुको मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से बचपन की याद आ गई सीरियसली। एक मिनट दिखाती हूँ एक बच्चा बैठ गया है दोनों खड़े थे अभी हम बचपन में ऐसे झूलते थे झूला लगा के मतलब पार्क के झूलों में वो मजा कहाँ है जो पेड़ों के छांव के नीचे झूलों में होते थे। सीरियसली तो मन करा जाओ पता नहीं रास्ता कहाँ से होगा कहीं होता ना यहाँ से तो टापके चले जाते झूलने के लिए मतलब मन कर रहा है वहाँ पे घास के बीच में। आती हूँ अनन्या को ये मेरी ग्राउंड दिख रहा नीचे ये पिंक टॉप है अनन्या ये रही जो झुला रही है मेरी वो राउंड को घुमा रही है। सो अच्छा है यहाँ पे बालकनी में नीचे दिख जाती है पूरी की पूरी खेलती हुई। फ्रेंड्स जस्ट चाय फिनिश करी है तो अभी हम लोग करते हैं चाय पे चर्चा। चाय के बाद चर्चा नहीं जस्ट मैं ये चाय पी रही थी ना आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी तो इंस्टा पे भी कुछ मैसेजेस आते हैं मुझे इस चीज को लेके और कमेंट्स में भी आए हैं और मेल्स में भी आए हैं। तो वो था कि सुभाष हमारे क्या काम करते हैं क्या काम करते हैं और हमारी इनकम यू नो कितनी है हमारी इनकम। सो तो आप बोलना चाहोगे आप काम क्या करते हो? काम तो तुम दिखा देती हो काम तो मैं डेली का क्या करता हूँ घर वही झाड़ू पोछा मोड़ता झाड़ू पोछा मोड़ता ये क्या होता है। अच्छा ये झाड़ू पोछा के अलावा क्या करते हो? झाड़ू पोछा बर्तन ये मेरा डेली का काम है बाकी झाड़ू पोछा बर्तन डेली का काम कैसे सुभाष मतलब ऐसे ऐसे मतलब मेरे काम पे ऐसे सफाई से सुभाष ने पोछा मार दिया झाड़ू मार कि डेली झाड़ू पोछा बर्तन। वाह झाड़ू तो है ही नहीं हमारे घर में वैक्यूम में पोछा वैक्यूम इतना अच्छा करता है कि 3-4 दिन में जाके शायद हमारा कभी पोछा लगता है तो लगने का मेरे को साफ दिखता मतलब छोड़ो इसको छोड़ो काम क्या करते हो एग्जैक्टली लोगों को बाकी पैसे कमाने के लिए कंपनी में काम करता हूँ। हाँ तो बेसिकली सुभाष एक बताओ फिर मैं बोलूंगी बोलने नहीं देती है आईटी इंटीग्रेशन मैनेजर का काम करता हूँ। सुभाष आईटी इंटीग्रेशन मैनेजर का काम भी कर लेते हैं साथ में बाकी काम के साथ झाड़ू पोछा बर्तन के साथ में। यस यस सो ही इज बेसिकली वर्किंग इन एन आईटी कंपनी आईटी फर्म में IT नहीं है इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी। हाँ तो IT है उनका जो जॉब प्रोफाइल है दैट इज एन IT इन अ कंपनी
तो या एज इन एट अ गुड पोजीशन. और हमारी इनकम क्या है तो वो वी आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग, तो वो हम शेयर नहीं करना चाहेंगे. सो यस अनन्या हाय एंजॉय. आज हम थोड़ा जल्दी आ गए वॉक करने के लिए. पार्क में इतनी बच्चों की आवाज, इतनी बच्चों की आवाज, मतलब इतना अच्छा फील होता है ना. मतलब कोविड के टाइम पे जब यही आवाज नहीं आती है तो ऐसा फील होता है जैसे कितना नहीं सुभाष कितना ऐसे सुनसान है सब कुछ. हाँ और ये आवाज सुनती इतना हैप्पी हैप्पी फील होता है, सब कुछ नॉर्मल है जो कि नहीं है. हाँ बट दिस इज द न्यू नॉर्मल, क्या करें. सो ये है बीटरूट, इसको मैंने हाफ काट के अब इसको ना सीटी लगा लूंगी और उसके बाद फिर इसका मैं पेस्ट बना लूंगी. तो आज बनाएंगे गोभी का पराठा. तो ये गोभी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, उसका पानी यहाँ पे निकाल लिया है. तो ये पानी और ये जो बीटरूट था ना उसको पेस्ट बना लिया है. इसको हम यूज़ करेंगे आटा गूंदने में. और ये मसाले में आज मैं ना भून नहीं रही हूँ उसको, कच्चा ही बनाऊंगी गोभी का पराठा. तो यहाँ पे ये सब मसाले हैं, जीरा है, अजवाइन, अदरक लहसुन, नमक, जो बेसिक आपके होते हैं, लाल मिर्च, चाट मसाला, और मैंने ना 3 आलू भी ले लिए हैं तो अच्छे से बेल जाएंगे ये. तो ये मसाला रेडी कर लूँगी. आटे में डाल लिया है नमक और अजवाइन और अब डालेंगे हम बीटरूट वाला पेस्ट. पहले इससे मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर अगर एक्स्ट्रा पानी लगेगा तो मैं ये पानी यूज़ करूँगी, और उसके ऊपर लगेगा तो फिर नॉर्मल पानी और यूज़ करूँगी. सो ये हो गया, आटा गूंद लिया है. फ्रेंड्स दो मैं वीडियो अपना कल एंड कर चुकी थी, बट आज सैटरडे है. आज अनन्या के स्कूल में था पेट्रियोटिक सॉन्ग का कंपटीशन. तो दूर मतलब इतने पेट्रियोटिक सॉन्ग, मतलब वो सारे गाने सुन के जैसे ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए सीरियसली. और बचपन की वो सब यादें ताज़ा हो गई जब हम असेंबली में वो सब गाना गाते थे. पता है ना असेंबली में हम ये सब गाना गाते थे. मतलब तभी कहते हैं ना ये सब गाने, मतलब मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती वो क्या फीलिंग है. बट देन आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद यू. सो फीलिंग सो नाइस टुडे. मतलब बचपन का याद, भारत के लिए वो. मम्मा को छोटा बनना है वापस से. हाँ मेरा मन कर रहा है वापस से छोटी हो जाऊँ और स्कूल के असेंबली में. और ये बनी जात वाली डॉटर. चलो चलो ओके चलो अब फाइनली बाय एंड टेक केयर एंड सेफ. बाय एंड जय हिंद. भारत माता की जय. बाय फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.